आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सैनिटेशन कैसे किया जाता है। फ्रेंड, कि सैनिटेशन कैसे किया जाता है, काफी दिनों पहले हमने एक वीडियो बनाया थे तो उसमें काफी कमेंट आ रहे हैं कि भाई आप जिस तरीका से डीबीटी का साइट ओपन कर रहे थे यहाँ पे इस तरीका से ओपन नहीं हो रहा है। तो फिर मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पे जो इस साइट को अपडेट कर दिया गया है, इसीलिए जो है ये साइट अब इस तरीका से इसका डैशबोर्ड ओपन होता है। ठीक है, तो आप नए तरीका से आपको सैनिटेशन कैसे करना है मैं आज की इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, और उस वीडियो में जैसे आप लोग दुलार प्यार दिए उसी तरीका से आप लोग भी इस वीडियो में दुलार प्यार दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा ताकि ये भी वीडियो उसी वीडियो की तरह ये भी रैंक कर सके। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। फिर अगर आपके पास कंप्यूटर नहीं है तो आप मोबाइल फोन से ही बड़ी आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसे आपको किसान रजिस्ट्रेशन करना है, खुद से अपने घर बैठे, किसी भी व्यक्ति के पास नहीं जाए, अपने घर बैठे मोबाइल फोन से भी कर सकते हैं, तो कैसे करना है चलिए सीख लेते हैं। लेकिन इससे पहले कि अभी तक मेरे चैनल टेक्निकल एमएजी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो के नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब बटन है इसे दबा करके सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन ऐसे भी दबा करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दे ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो फिर इसके लिए जो सबसे पहले आपको डीबीटी के ऑफिशियल साइट पे आना पड़ेगा। इस वेबसाइट का जो है लिंक मैं इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, वहां से क्लिक करके इस वेबसाइट पे आ सकते हैं। ठीक है, आपको किसान रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको यहाँ पे देख सकते हैं पंजीकरण है तो आपको इस पे क्लिक करना होगा या फिर आप नीचे आएंगे। यहाँ पे नीचे आने के बाद फिर यहाँ पे देख सकते हैं पंजीकृत किसान, यानी आप यहाँ पे पंजीकृत किसान है यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं पंजीकरण करे हैं तो इस पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, इस पे क्लिक करें या फिर यहाँ पे ऊपर से भी क्लिक कर सकते हैं यहाँ पे पंजीकरण पे। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं पंजीकरण है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पंजीकरण करे आएगा ऑप्शन, तो आपको इस पे क्लिक करना है किसान रजिस्ट्रेशन करने के लिए। अगर आप इसका प्रिंट निकालना चाहते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं पावती प्रिंट है तो इस पे क्लिक करके अपना आधार नंबर के माध्यम से अपना प्रिंट निकाल सकते हैं। तो चलिए हम आज की इस वीडियो में सीखेंगे कि नया तरीका से आपको किसान रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। तो पंजीकरण पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपको इस तरीका से इंटरफेस आएगा। तो अगर आपके पास सीएससी आईडी है तो यहाँ पे आप सीएससी आईडी से लॉगिन कर लेंगे, या आपके पास सहज केंद्र है तो यहाँ पे अपना सहज से लॉगिन कर लेंगे, या आपके पास कोई भी आईडी नहीं है तो यहाँ पे क्लोज पे क्लिक कर लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे तीन मेथड दिया गया है, यहाँ पे आप ओटीपी के माध्यम से करना चाहते हैं तो ओटीपी के माध्यम से क्लिक यानी किसान रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है तो यहाँ पे देख सकते हैं बायोमेट्रिक के माध्यम से भी आप कर सकते हैं। तो चलिए हम बायोमेट्रिक के माध्यम से करेंगे। तो यहाँ पे जैसे बायोमेट्रिक पे क्लिक करेंगे तो आपको इस तरीका से इंटरफेस होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे ड्राइवर नेम, तो यहाँ पे आपका जो भी ड्राइवर होगा यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे मंत्रा मार्पो जो भी आपका ड्राइवर है यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे बोला जा रहा है आधार नंबर, तो जो भी यहाँ पे आधार नंबर कैंडिडेट का होगा यहाँ पे देंगे। उसके बाद यहाँ पे इंटर नेम है तो यहाँ पे जो भी आधार के अनुसार जो भी नेम होगा यहाँ पे उसका नेम टाइप कर देंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे उनका नेम टाइप कर दिए। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं स्टार्ट कैप्चा है तो स्टार्ट कैप्चा पे क्लिक करना है। तो चलिए यहाँ से हमने स्टार्ट कैप्चा पे कर दिया है और यहाँ पे फिंगर पे आ चुका है। तो यहाँ पे देख सकते हैं फिंगर स्कैन हो चुका है और इस तरीका से जैसे फिंगर स्कैन होगा तो यहाँ पे सही का टिक लग जाएगा और यहाँ पे कैप्चा सक्सेसफुल लिख करके आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ऑथेंटिकेट है तो आपको ऑथेंटिकेट पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको इस तरीका से ऑप्शन आएगा तो यहाँ पे बोला जा रहा है किसान क्रेडिट कार्ड का विवरण। अगर आपके पास किसान क्रेडिट कार्ड है यानी आप केसीसी पहले से लिए हुए हैं तो यहाँ पे हाँ पे क्लिक करेंगे, अगर नहीं लिए हुए हैं तो नहीं पे क्लिक करेंगे। तो चलिए यहाँ से हम नहीं पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे आपको सबमिट पे क्लिक करना है। तो चलिए हम इसके बाद यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर दिए। उसके बाद आपको इस तरीका से इंटरफेस आएगा तो यहाँ पे देख सकते हैं किसान पंजीकरण है तो यहाँ पे किसान पंजीकरण पे क्लिक करेंगे। विक्रेता के लिए किसान रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं बिक्री के लिए तो यहाँ पे विक्रेता पंजीकरण है तो आप इस पे क्लिक करके अपना विक्रेता वाला भी किसान रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो फ्रेंड, अगर आप लोग विक्रेता के लिए नहीं करेंगे तो आप यहाँ पे ये वाला ही टिक, फर्स्ट वाला ही आप टिक लगाइएगा। उसके बाद आपको इस तरीके से इंटरफेस आएगा। तो फ्रेंड, यहाँ पे फर्स्ट में बोला जा रहा है किसान का प्रकार, तो यहाँ पे किसान का प्रकार में स्वयं चूज करना है। अगर आपके पास स्वयं खेती नहीं है, आप स्वयं खेत यानी आप जो खेती कर रहे हैं आपका खेत नहीं है, किसी और व्यक्ति का है, किसी का बटाई लेकर के या मनखब पे आप किसी का खेत जोतते हैं तो यहाँ पे वास्तविक खेतिहारी पे क्लिक कर लेंगे। नहीं तो यहाँ पे आप स्वयं स्वयं का है तो यहाँ पे स्वयं पे क्लिक कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है किसान का प्रथम नाम, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो नाम है यहाँ पे दिया गया है। और यहाँ पे किसान का अंतिम नाम, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है नाम पूरा फुल नेम दिया गया है और अंतिम नाम आपको कुछ नहीं फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है पिता या माँ पति किसी का भी नाम यहाँ पे आपको टाइप करना है तो यहाँ पे हमने नाम टाइप कर लिया है। फ्रेंड, आपको यहाँ पे ध्यान में ये रखने वाली बात है
कि यहाँ पे ये नाम और ये नाम एक भी वर्ड का मिस नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका जो है आवेदन रद्द हो जाएगा, ठीक है। और आपका डेट ऑफ बर्थ जो है एकदम ध्यान पूर्वक आपको टाइप करना है। तो चलिए यहाँ पे हम डेट ऑफ बर्थ कैलेंडर की मदद से आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो चलिए यहाँ से हम डेट ऑफ बर्थ भी सेलेक्ट कर लिए। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं लिंग बोला जा रहा है जेंडर, तो यहाँ पे आपको जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, पुरुष है या स्त्री है, तो यहाँ पे जो भी है यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम स्त्री सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे पूछा जा रहा है जाति का श्रेणी, आप जाति कौन सा है, तो यहाँ पे सामान्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक, अति पिछड़ा, पिछड़ा वर्ग, जो भी है यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे बोला जा रहा है कृषि श्रेणी, तो यहाँ पे आपको कृषि का श्रेणी सेलेक्ट करना है। यहाँ पे वृहत किसान और लघु किसान और यहाँ पे सीमांतर किसान। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है 2 हेक्टेयर से ज्यादा जिनका पास जमीन है तो वहाँ पे वृहत किसान में आते हैं, और जिनको यानी 1 हेक्टेयर और 2 हेक्टेयर के बीच में है वो लघु किसान में आते हैं, और यहाँ पे सीमांतर किसान जो होते हैं जो इनके पास 1 हेक्टेयर से कम है वो व्यक्ति जो है सीमांतर किसान होते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम लघु किसान सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद यहाँ पे जिला बोला जा रहा है, तो जो भी आपका जिला होगा यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। तो चलिए यहाँ से हम एक जिला सेलेक्ट कर लिए। उसके बाद आपको यहाँ पे प्रखंड चूज करने के लिए बोला जाएगा, तो यहाँ थोड़ा वेट कर लेते हैं। यहाँ पे आपका नहीं आता है तो यहाँ पे दूसरा फिर से जो है जिला सेलेक्ट करेंगे, फिर से जो है आपका जो जिला होगा यहाँ पे फिर से आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो यहाँ पे प्रखंड आ जाएगा, तो यहाँ पे देख सकते हैं प्रखंड जो है आ चुका है। तो यहाँ पे चलिए हम प्रखंड भी सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ से जो भी आपका प्रखंड को यहाँ पे चयन कर लेंगे। उसके बाद ग्राम पंचायत जो भी होगा यहाँ पे चयन करेंगे, तो यहाँ पे चलिए हम ग्राम पंचायत भी सेलेक्ट कर लेते हैं, भाषा में अच्छा होती। उसके बाद आपका गांव का नाम आ जाता है, तो इस पंचायत के अंदर में जो भी गांव होंगे यहाँ पे आपको गांव का नाम सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ से हम गांव का नाम भी सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है गांव का नाम इस तरीका से आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जो भी आप मोबाइल नंबर इसके साथ रजिस्टर्ड करना चाहते हैं वो मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे बोला जा रहा है बैंक का विवरण, तो फ्रेंड्स यहाँ पे अपने किसान रजिस्ट्रेशन के साथ कौन सा जो है बैंक अकाउंट लिंक करेंगे वो आपको बैंक अकाउंट का नेम यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है, और उसका अकाउंट नंबर जो भी है यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पे देना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पे बैंक का पहले नेम सेलेक्ट कर लेते हैं, तो मेरा इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक है, तो यहाँ पे हम चलिए सेलेक्ट कर लेते हैं। अगर फ्रेंड इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का अपना खाता खोलना चाहते हैं 0 बैलेंस में वो भी घर बैठे, तो फ्रेंड्स मैं इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ, उस वीडियो को जाकर देखिए और अपना भी अकाउंट 0 बैलेंस में ओपन कर सकते हैं। अगर फ्रेंड आपका कोई भी सरकारी पैसा रुक भी जाता है तो इस अकाउंट को आप लोग खोल लेंगे तो आपका जो सरकारी पैसा जो जो भी रुका हुआ होगा आपका इस बैंक में आपका आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे इसका जो IFSC कोड क्या है, तो यहाँ पे हमने ये IFSC कोड दे दिए। उसके बाद जो भी यहाँ पे अकाउंट नंबर बोला जा रहा है, तो यहाँ पे अकाउंट नंबर आपको टाइप कर देना है। अकाउंट नंबर फिल करने के बाद आपको सिंपली सबमिट पे क्लिक करना है। यहाँ पे जो भी आप आधार नंबर पहले फिल किए हैं यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक जो है पहले से ही आधार नंबर फिल रहेगा, ठीक है। आपको इस तरीका से फिल कर लेना है अच्छी तरीका से, और आपको एक बार चेक कर लेना है कि आपका इसमें कहीं से तो कोई त्रुटि नहीं रह गया है। उसके बाद आपको सिंपली सबमिट पे क्लिक करना है। तो चलिए हम सबमिट पे क्लिक कर दिए। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा वेट कर लेंगे। उसके बाद आपका जो भी यहाँ पे मोबाइल नंबर इसमें जो रजिस्टर्ड करना चाहते हैं यहाँ पे जो भी दिए हैं उस पर एक OTP भेजा गया है यहाँ पे 4 अक्षर के, तो चलिए यहाँ पे OTP यहाँ पे फिल कर दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे वैलिड OTP है, तो वैलिड OTP पे क्लिक करेंगे। वैलिड OTP पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे इस तरीका से फिर यहाँ पे जो है एकदम रेडी के लिए तैयार हो चुका है, और यहाँ पे देख सकते हैं रजिस्टर है, तो रजिस्टर पे आपको क्लिक करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे जो है मेरा पंजीकरण संख्या यहाँ पे हो चुका है, और यहाँ पे आप इसे प्रिंट करके और आपको कैंडिडेट को दे देना है। और इसके बाद जो है आपको कैसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लिए कैसे आपको अप्लाई करना है मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि इस वीडियो में बताऊंगा तो काफी ये वीडियो है काफी लंबा हो जाएगा, तो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि मेरे इसी तरह का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।